दोस्तों, बॉलीवुड की जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री परवीन बॉबी की दर्दनाक मौत का एक ऐसा राज खुलकर सामने आ गया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ ही साथ आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि परवीन बॉबी जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री भला इतना गंदा और शर्मनाक काम कैसे कर सकती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप अगर अभी बच्चे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि ये केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो दोस्तों, परवीन बॉबी की दर्दनाक मौत का वो चौंकाने वाला राज खोलने से पहले आपको बता दें कि परवीन बॉबी ने अपने करियर की शुरुआत बतौर मॉडल की थी, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में ब्रेक मिल गया। 1973 में उन्होंने क्रिकेटर सलीम दुर्रानी के अपोजिट फिल्म चैत्र से डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन परवीन बॉबी का चेहरा और खूबसूरती लोगों की आंखों में बस गई। हर कोई यह जानने को उत्सुक था कि आखिर यह लड़की कौन है। शायद यही वजह रही कि उन्हें फ्लॉप डेब्यू के बाद भी ढेर सारी फिल्मों के ऑफर मिले। डेब्यू के एक साल के अंदर ही उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दी। डेब्यू के 2-3 साल के अंदर ही उन्होंने इतनी ख्याति पाली कि वह टाइम मैगजीन के कवर पर फीचर हुई। टाइम मैगजीन के कवर पर नजर आने वाली वह बॉलीवुड की पहली स्टार रही। परवीन बॉबी का स्टारडम और जादू हर निर्माता निर्देशक से लेकर हर हीरो के सिर चढ़कर बोल रहा था। अब हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। अमिताभ बच्चन के साथ परवीन की जोड़ी को इतना पसंद किया गया कि फिल्म मेकर भी लगभग हर फिल्म में दोनों की जोड़ी को रिपीट करने के लिए सपने देखते थे। परवीन और अमिताभ ने दर्जनों फिल्मों में साथ काम किया और लगभग सभी फिल्में हिट रही। इनमें सुहाग, मजबूर, दीवार, देश प्रेमी, नमक हलाल, काला पत्थर, कालिया और अमर अकबर एंथनी जैसी फिल्में शामिल थी। परवीन एक ऐसी एक्ट्रेस रही जिन्होंने अमिताभ बच्चन के अलावा उस वक्त के सभी लीड हीरोज के साथ काम किया, जैसे कि शशि कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और फिरोज खान के साथ भी उन्होंने काम किया। दोस्तों, 80 के दशक तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1983 में परवीन को न जाने क्या हुआ कि वह किसी को बताए बिना ही फिल्मों और इंडस्ट्री की चकाचौंध से गायब हो गई। किसी को पता नहीं था कि परवीन आखिर अचानक क्यों और कहां चली गई थी। उस वक्त कई ऐसी अफवाहें उड़ी कि हो सकता है परवीन भी अंडरवर्ल्ड के चक्कर में फंस गई हो। वह सालों तक गायब रही और उनकी कई फिल्में उनकी अनुपस्थिति में ही रिलीज कर दी गई। बाद में पता चला कि परवीन बॉबी ने 1983 में ही भारत छोड़ दिया और अध्यात्म की तलाश में अपने दोस्तों के साथ अमेरिका चली गई। उस वक्त परवीन बॉबी का करियर ऊंचाइयों पर था। इस दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की। 1984 में जब परवीन को न्यूयॉर्क के एक एयरपोर्ट पर रोका गया तो उस वक्त उनका बर्ताव बदला बदला सा महसूस हुआ। पहचान पत्र न दिखा पाने की वजह से परवीन बॉबी को कई दिनों तक मानसिक रूप से बीमार लोगों के साथ एक अस्पताल में रखा गया था। 1989 में परवीन वापस मुंबई आ गई, लेकिन तब तक वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उनका वजन काफी बढ़ चुका था और वह पहले के मुकाबले मोटी भी हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि परवीन को सिजोफ्रेनिया था। वह इस मानसिक रोग की शिकार कब और कैसे हुई यह आज तक नहीं मालूम, पर ऐसा कहा जाता है कि दौलत और शोहरत के बावजूद परवीन अंदर से काफी अकेली थी और शायद यही उनके मानसिक रोग की वजह बनी। हालांकि परवीन ने कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया और वह फिल्म इंडस्ट्री पर ही आरोप लगाती रही कि उनके साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त के साथ परवीन बॉबी की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर कोई पत्रकार या मीडिया कर्मी उनका इंटरव्यू लेने जाता तो वह दूर भागती या फिर उनसे अपना खाना और पानी टेस्ट करने के लिए कहती। परवीन के मन में यह शक बैठ गया था कि कोई उन्हें जान से मारना चाहता है। उन्हें यहाँ तक शक बैठ गया था कि उनके मेकअप में भी जहर है और इससे उनकी स्किन छिल जाएगी, खूबसूरती चली जाएगी। परवीन के अंदर मारे जाने का डर इस कदर बैठ गया था कि अपने आखिरी 4 सालों में परवीन बॉबी लगभग हर फोन कॉल को रिकॉर्ड करने लगी थी। जो भी उन्हें फोन करता उसे पहले वह बताती कि उन्होंने फोन को सर्विलांस पर लगा रखा है। परवीन बॉबी की जिंदगी में अब अकेलापन और भी बढ़ता जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने खुद को काट लिया था, लेकिन 1973 से 1992 के बीच वह अखबारों से लेकर मैगजीन तक के लिए लिखती रही। मुंबई के अपने घर में वह अकेली रहती थी, किसी का कोई आना जाना भी नहीं था। जो उनके अपने थे उन्होंने भी परवीन बॉबी से कन्नी काटनी शुरू कर दी। शायद यही वजह थी कि जब 20 जनवरी 2005 को वह अपने फ्लैट में मृत मिली तो किसी को भी
पता नहीं चला। जिस सोसाइटी में परवीन रहती थी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने जब देखा कि परवीन ने 3 दिनों से घर के बाहर रखा दूध और अखबार नहीं लिया है तो उसने पुलिस को खबर दी। मौत कैसे हुई नहीं पता, पर कहा जाता है कि परवीन को बाएं पैर में गैंग्रीन हो गया क्योंकि उन्हें डायबिटीज भी थी। बेड के पास ही एक व्हीलचेयर थी। कपड़े, दवाइयां, पेंटिंग यानी कमरे का हर सामान तितर बितर पड़ा था। हो सकता है कि वह अपने आखिरी दिनों में चलने फिरने में असमर्थ रही हो और व्हीलचेयर की जरूरत पड़ी हो। पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि परवीन ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, बस शराब पी और दवाइयां खाई। महेश भट्ट, जिनके साथ कभी परवीन बॉबी रिलेशनशिप में रही थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बात 1979 की है। जब वह घर आए तो उन्होंने परवीन को एक फिल्म की कॉस्ट्यूम पहने देखा। वह घर के एक कोने में सिकुड़कर बैठी थी और हाथ में चाकू था। महेश भट्ट को देख परवीन ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा और बोली, बात मत करो, इस कमरे में कोई है, वे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। महेश के मुताबिक यह पहली बार था जब उन्होंने परवीन को ऐसी हालत में देखा था। धीरे धीरे यह स्थिति और भी खतरनाक होती चली गई। बाद में पता चला कि परवीन को सिजोफ्रेनिया था। तो दोस्तों, मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की इस दर्दनाक मौत के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।